बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो वेलकम, मैं आप लोगों को वेलकम करता हूँ कि आप लोगों ने इस वीडियो को क्लिक किया, ठीक है। दूसरा, मैं अपने हवाले से बताऊँगा कि मेरा नाम फरहत है, मैं ऑस्ट्रेलिया में रहता हूँ और मैं ऑस्ट्रेलिया में गवर्नमेंट जॉब करता हूँ, यहाँ पे सिटीज़न हूँ, ठीक है। और अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट बात पर कि मैंने आज आप लोगों को क्या बताना है, ठीक है, इस चैनल के हवाले से। सो चैनल को ये अगर आप लोग इसकी हिस्ट्री देखें तो 2010 से है, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं था, स्पेशली ऑस्ट्रेलिया में आके तो मेरे 10 साल हो गए ना, तो किसके साथ टाइम होता है कि चैनल को चलाएं फैमिली के साथ। तो अभी मुझे एक महीना पहले, मुझे पाकिस्तान से काफ़ी लोगों की कॉन्टेक्ट आती है ना कि आप हमारा हेल्प करो, तो बंदा तो अपने हिसाब से हेल्प करता भी है, जितना अल्लाह ताला देता है ना वो हेल्प तो करता ही है। लेकिन मुझे एक दोस्त ने मशवरा दिया कि भाई आप ये जो आपका यूट्यूब का चैनल है ऑस्ट्रेलियन बेस, आप इसको स्टार्ट कर लो और इसका भी जितना भी अर्निंग होगा वो आप फिर लोगों को दे सकते हो। दिस विल बी अ काइंड ऑफ यूनिक चैनल, ठीक है, और इंशाल्लाह होगा भी। तो अगर आप लोग देख लें तो चैनल के ऊपर जो वीडियोज़ है ना वो बिल्कुल सिंपल से वीडियोज़ है, वो मुझे पाकिस्तान से लोगों की वीडियोज़ आती हैं, उन लोगों की जो गरीब लोग होते हैं, मैंने उनको बताया हुआ है कि भाई आप लोग मुझे वीडियो भेज दिया करें। अगर आप लोग देख लो तो वीडियो सिंपल भी हैं, उसके ऊपर कुछ एडोब फोटोशॉपिंग वगैरह नहीं, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं करूँ वो काम ना। मुझे वीडियो चाहती हैं, मैं चैनल पर डाल लेता हूँ, चैनल नया है, और इंशाल्लाह ये सोच रहा हूँ कि जितने भी गरीब लोग मुझे वीडियोज़ भेजते हैं ना जो कि मुझे पाकिस्तान से आ रही हैं, तो मैंने उनका अर्निंग उन लोगों को ही देना है। अगर मंथली मोनेटाइजेशन के बाद, अभी तो कुछ नहीं है ना, मोनेटाइजेशन के बाद, ठीक है, तो इट्स ए वीडियोस का अर्निंग आता है मंथली $50, $30, $40। तो मेरा यहाँ पे माशाल्लाह गवर्नमेंट जॉब है, मुझे उन पैसों की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं है। लेकिन मैंने सोचा कि वो पैसे अगर एक्स्ट्रा मेरे जेब से तो नहीं जा रहा, इस यूट्यूब के चैनल के थ्रू जाएगा ना जो अर्निंग होगा, तो मैंने कहा ये सोचा कि ये गरीब लोगों को ये पैसे दूंगा इंशाल्लाह, जो भी मुझे वीडियो भेजेगा। अगर एक अमीर बंदा भेजता है ना वीडियो मुझे, तो मैं क्या करूँगा, उसका अर्निंग डेफिनेट उसको तो नहीं मिलेगा, किसी गरीब को दूँगा, क्योंकि मेरे चैनल का मकसद ही यही है कि मैं गरीब लोगों को सपोर्ट करूँ, ठीक है। अच्छा, अब मुझे आप लोगों से क्या हेल्प चाहिए, शायद आप लोगों को पता भी है, लेकिन आई विल से इट अगेन, ठीक है। आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब करना है, एक बात। दूसरी बात, आप लोगों ने वीडियोस देखनी है इसकी, ताकि इसके व्यूज़ भी पूरे हो जाएं, ठीक है। तीसरी बात जो है ना, आप लोगों ने इसको शेयर भी करना है लोग अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि इसके जो कंटेंट्स है ना वो लोग देख लिया करें। तो इंशाल्लाह जब ये मोनेटाइजेशन के लिए हमारा चैनल एलिजिबल होगा, उसके बाद अभी भी जितने भी वीडियोस मुझे लोगों ने भेजी हैं, अगर आप लोग देख लें तो वीडियोस की क्वालिटी अच्छी नहीं है ना, मैंने उसके ऊपर कुछ ऐसा वो टाइम लगाया हुआ है ना, इवन यहाँ के भी जो मेरे वीडियोस हैं ना वो भी मैं टाइम उस पर स्पेंड नहीं करता, बस एक मोबाइल फ़ोन ऑन करके जैसे भी मेरे कपड़े हों मैं उसमें वीडियो बना लेता हूँ, अपलोड कर देता हूँ। उसकी भी एक वजह है, मुझे काफ़ी लोगों की कॉन्टेक्ट आती है ना ऑस्ट्रेलिया के हवाले से कि क्या हम करें, कुछ हमें एडवाइस दो, तो ये भी एक वजह था। मैंने कहा भाई चलो, ये अब जो मैं चैनल खोल रहा हूँ तो उस पर ये वीडियोस दूंगा, ठीक है। तो आप लोगों ने मुझे हेल्प करना है, इस दिस इज़ द सॉर्ट ऑफ हेल्प आई एम ऑफरिंग फ्रॉम यू पीपल एवरी वन हु इज़ वॉचिंग, कि सब्सक्राइब करना है, इसके वीडियोज़ को देखना है ताकि इसके ऊपर व्यूज़ आ जाएँ, ठीक है। और इंशाल्लाह आप लोगों ने इसको शेयर भी करना है, ठीक है, फॉर द बेटरमेंट ऑफ ह्यूमैनिटी, और ताकि हम लोग स्पेशली मैं जो है ना पावर्टी के ख़िलाफ़ जितना भी होता है मेरे पॉकेट से, मैं तो खुद करता हूँ, लेकिन अगर यूट्यूब से कुछ अर्निंग एक्स्ट्रा आता है ना इन वीडियोस के ऊपर, तो ठीक नहीं है मैं ये भी किसी को दे दूँ, किसी का भला होगा ना। तो लोग तो वैसे भी चैनल्स देखते हैं, लेकिन दिस इज़ अ काइंड ऑफ यूनिक चैनल, ठीक है, जिसका अर्निंग जो होगा वो किसी गरीब को जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है। तो आप लोगों ने ये हेल्प करना है, और मैंने देखना है ये चैनल को, हमने मोनेटाइज करना है, बहुत जल्दी करना है, वी आर टू लेट, मैं काफ़ी लेट हो चुका हूँ। 2010 में चैनल बनाया ना, लेकिन टाइम भी नहीं था ना, सोचा था ऐसा, बस मैं यहाँ से जितना पैसा मैं बेच सकता हूँ मैं लोगों को बेचता हूँ, ठीक है, वो तो माशाल्लाह
शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का दिया हुआ है तो मैं कोशिश करता हूँ। लेकिन ये तो एक एक्स्ट्रा चीज़ हो गया ना, तो इसलिए मैंने सोचा कि यार मुझे दोस्तों ने मशवरा दिया, क्योंकि यहाँ पे दो दोस्तों ने ये काम किया हुआ है और उनका चैनल अब मोनेटाइज हो चुका है। मुझे उनने 2 साल पहले भी कहा था, मैंने कहा यार बाहर में जाए क्या करूँगा, मेरे पास टाइम ही नहीं है। अब भी टाइम नहीं है, अगर आप लोग देख लो तो वीडियोस मुझे वहाँ से आती हैं, सिंपल वीडियोस हैं, पॉलिश्ड भी नहीं है, क्योंकि वो यहाँ वहाँ के लोग भी गरीब लोग हैं ना। हाँ, लेकिन मैंने सोचा भाई चलो वीडियोस बनाओ, इंटरनेट पे डाल दो, यूट्यूब पे डाल दो, देखते हैं इंशाल्लाह अल्लाह ताला उसमें खैर बरकत डालेगा और इंशाल्लाह हमारा चैनल स्टार्ट होगा। तो आप लोगों ने ये मुझे हेल्प करना है, डेफिनेटली आप लोगों ने, और मैं आप लोगों से ये एक्सपेक्ट भी कर रहा हूँ, ठीक है। हाँ, ये सिंपल सी बात है, बस वैसे भी लोग तो वीडियो देखते ही हैं ना, आप लोग उसको देख लिया करें, ऊपर से आपको इन्फॉर्मेशन भी मिलेगा, ठीक है। कभी कभार इसमें अच्छी वीडियोस भी होती हैं, और मेरा इसमें इमिग्रेशन के हवाले से, वीज़ास के हवाले से भी है, लेकिन वो तो इतना नहीं है, क्योंकि चैनल का मकसद कुछ और है, ठीक है। हाँ, चैनल का मकसद तो मैंने आप लोगों को बता भी दिया कि मैंने गरीब लोगों का हेल्प करना है, जिसमें से आप लोगों का हेल्प ये होगा, आई डोंट नीड एनी फाइनेंशियल हेल्प फ्रॉम यू गाइस, सिर्फ इसको सब्सक्राइब करना है, वो ऑटोमेटिक उसमें फाइनेंशियल हेल्प आ जाएगा। फिर उसमें जितना भी हिस्सा होगा ना इंशाल्लाह, उन लोगों जो भी पैसा जाएगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह उसमें आप लोगों को भी अल्लाह ताला पूरा पूरा हिस्सा देगा इंशाल्लाह, ठीक है। और आप लोगों ने इसको हेल्प करना है, ठीक है। अभी मैं ऑफिस में हूँ, तो मैं अभी वीडियो को ख़त्म कर रहा हूँ। इंशाल्लाह आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो सम टाइम, ठीक है। इंशाल्लाह, ओके, अल्लाह हाफिज़।